गांव के दोनों तरफ नदी बहती है और जब पानी नदी में बढ़ता है तो दूसरी तरफ भी आ जाता है, यही समस्या बन जाती रास्ते की गांव वालों को। तो यहाँ पर अभी पानी बढ़ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा एक फुट पानी आ गया लगभग, बढ़ा हुआ। अच्छा, सुबह डीएम साहब ने मैसेज किया था तो जब, क्योंकि बहराइच जो रामनगर बहराइच से पानी छोड़ा गया है तो काफी समय लगा है आने पर, तो जब ज्यादा पानी आएगा तो क्या दिक्कतें पड़ेगी? अधिकारी, उच्च अधिकारी को सूचना दी जाएगी, उसका इंतजाम कराया जाएगा, थाना सूचना दे दी जाएगी। अच्छा, आप मानते हैं कि ये गांव बड़ी खतरनाक जगह पर बसा हुआ है? दो नदियों के बीच में है, इसीलिए बाढ़ की अस्थायी चौकी बनी है। तो यहाँ पर अगर एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूँ तो अंदर एम्बुलेंस आ सकती है, क्योंकि हम एक गाड़ी से सवार होकर आए? अभी तक तो आ सकती है, आगे चलकर समस्या पानी बढ़ेगा नहीं आएगी। मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ये पसियापुरा गांव है, जहां के बाशिंदों को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई एक साल से नहीं, ये दिक्कत यहां पर 15 सालों से लगातार है। यहां के बाशिंदों से हम बात करेंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि दोनों तरफ से नदियां हैं, बीच में ये गांव है, और तमाम लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। मेरे साथ एक वो महिला मौजूद है, उनसे सीधे बात करेंगे। अम्मा, आप बताओ यहाँ पर क्या दिक्कत है आपको? बहुत भारी दिक्कत है यहाँ, दोनों तरफ, इधर भी पानी इधर भी पानी, दोनों लंग से पानी भर जाता था, बीच में यहाँ घुट घुट का मरते हैं। और यहाँ ना कोई डॉक्टर की सुविधा है, ना कुछ है, नहीं कि रास्ते की किसी की, सब चीज़ों की परेशानी है बहुत ज़्यादा। आपके पति की बात कैसी हुई? हमारे पति की ऐसी हुई, इधर भी नदी भरी हुई, इधर भी नदी भरी हुई, यही टाइम है, तो ना इधर से कोई गाड़ी आ पाई, ना इधर से गाड़ी आ पाई, और वो दम तोड़ गई। तो कितने और लोगों की मौत हुई है यहाँ पर? 10 से भी ज्यादा हो गई, 10-12 मौत हो गई और इसी चक्कर में। अच्छा, मौत के बाद कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, नहीं हमारी कोई किसी ने अंदाज नहीं करी। तो देखिए, इनके पति की मौत हुई, उसके अलावा तमाम लोग और भी इलाज के अभाव में मरे, लेकिन ना तो सरकारें गंभीर हुई, ना जनप्रतिनिधि गंभीर हुए, ना स्थानीय प्रशासन ने उन परिवारों के लिए कोई बड़ी बात कही। अम्मा, आप मुझे बताओ कितने सालों से समस्या है यहाँ पर? अरे बहुत दिनों से हो गए, हमें तो हवा जहाज से रोटी भी ना मिली ही, कहाँ की बात बूझ रहे हो तुम हमसे? जो रो रहे बालक भी ढोर जाना, कहाँ कहाँ अंध गए, मर गए ढोर भी, कहाँ हमारी किन्ना सुनिया, वोट मांगने आ जाओ जीव लेके, बोता क्या चला पसेपुरा को जीव मांगने चल रहे, वोट मांगने यहाँ कौन आ रहा है, कोई देखने आ रहा हमारे जिंदा को, कोई देखे भी तो हमें? कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो इतनी है हर बाजार, अरे बाजार को भी, मौत को भी, हर बात को हो रही है। कितने लोगों की मौत इस वजह से हुई कि उन्हें इलाज नहीं हो पाया, वो बताएंगे इस बात की? तो हमने अपनी आंखों के सामने मौतें नहीं देखी, बहुत देखी है मौतें, बहुत देखी है, मरे हमारे सास ससुरे भी मर गए, और कहो तो जब बीमार हुए तो एम्बुलेंस नहीं आ पाई यहाँ पर? ना ना ना, क्यों नहीं आ पाई? अब जो तो तुम जान सकते, सड़क खराब है ना? हाँ, तो ऐसे देख लो तो डरवा। आप बताओ अम्मा, क्या नाम है आपका? ओमवती। ओमवती, क्या परेशानी है तुम्हारी? बहुत परेशानी है, यहाँ से लेकर मान लो परेशानी पर आसानी, तुम्हें मालूम नहीं जा रही है तुम आए? हमें पता है कि हम इस गांव में अपनी बाइक से नहीं आ पाए। हाँ, तो हमें इतनी परेशानी है कि ना तो बहुत आ रहा डंगरों को ताई, और ना बच्चे कहीं पहाड़ को बाहर को पढ़ने जा रहे हैं, इतनी परेशानी है, और नहीं निकलने पर जा रहा है, कहीं मौत है जी से वहाँ को हम जा रहे हैं कहीं को भी, यहाँ तो परेशानी परेशानी है ही इस गाँव में। आपके पति की भी मौत हुई? हाँ, आप हमारी भी मौत हुई है, हमारे पति की भी मौत हुई है, सबकी मौत हुई है, यहाँ तो बहुत दसियां लुआई विधवा हैं। आप तो जिंदा हैं, आपको पता है? मैं जिंदा हूँ, पति तो खत्म हो गए। कैसे मरे हो? कैसे मरे? बुखार आया, जाड़ा आया, दवाई नहीं हुई, मर गए। बाढ़ में जाना पाए, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती है? यहाँ एम्बुलेंस अब आने शुरू हुई है 5 साल से, कौन ला रहा है? लेकिन अभी आ सकती है? आप क्या पता है, आवेदन यहाँ पे पानी भर रहा है तो कैसे आ जाएगा? हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे, दोनों तरफ पानी चल रहा है, सब लंग पानी पानी। अब कोई बीमार होगा तो क्या होगा? क्या होगा तो मरी जाएगा, और क्या होगा? अब अगर कोई बीमार होता है तो बचना उसका मुश्किल है, क्योंकि रामपुर में यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ, यहाँ रहते हो जी, तो यहाँ पर अभी अगर हम चाहें स्वास्थ्य सेवा तो मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्यों? क्यों? पानी यहाँ पे पानी आ जाता है, रोड खराब है बिल्कुल। आप मुझे बताओ क्या परेशानी है? आप मुझे बताओ भाई साहब, यहाँ पे रोड पर आ जाता जो नेता आता है, क्या वो क्या कहता है यार, रोड दड़बाता, रोड की कोई सुनवाई नहीं है हमारी, चारों तरफ से जब नदी में सैलाब आ जाता है तो नाव भी लगती है, कुछ भी होता है, मगर परेशानी जैसे मैयत होती है तो रात में कोई नहीं उठता। हाँ, कितने लोग मर चुके हैं यहाँ पर? लगभग यहाँ 50 लोग मर चुके हैं। कितने सालों में? यहाँ 10 सालों में 50 लोग मर चुके हैं, कुछ लोग तो डूब के मर गए नदी में, जैसे नदी उतर रहे हैं तो उसमें डूब के मर गए।
इसका कुछ असर सरकारों में या जनप्रतिनिधि? इसका कोई असर ना हुआ, सरकार में इसका कोई असर ना हुआ, बिल्कुल सुनवाई भी नहीं, कोई ना कोई पैसा मिला उन्हें पैसा भी ना मिला इसका। हाँ बिल्कुल भी। यहाँ पर जो आपके एमपीज हैं, एमएलए हैं, वो कभी आते हैं? अभी एम्बुलेंस के पीछे एक बच्चा खत्म हो गया, वो इनके खानदान में, मतलब छोटा सा बच्चा है 2 महीने का, एम्बुलेंस के पीछे वो खत्म हुआ, इतनी जल्दी एम्बुलेंस। हर परिवार में दर्द है, हर महिला में दर्द है और हर लोगों में इसी बात का दर्द है कि आखिर सबका विकास करने वाली सरकार जो दम भर रही है 2019 में, वो यहाँ पर विकास कब कराएगी? यहाँ के लोगों की जो मूलभूत सेवाएं हैं वो कब मिलेंगी? रामपुर से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए ओमपाल सिंह, रामपुर।